जगत प्रोटिस्टा। तो सबसे पहले समझते हैं इस जगत के सामान्य लक्षण। प्रोटिस्टा जगत के जीव एक कोशिकीय होते हैं। ये जीव यूकैरियोटिक होते हैं। ये जीव पानी में मिलते हैं। इनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, इसी की वजह से ये प्रकाश संश्लेषण भी कर सकते हैं। कुछ सदस्य क्लोरोप्लास्ट रहित भी होते हैं। ये स्वपोषी, परपोषी या मिश्र पोषी स्वभाव के होते हैं। इनमें कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक तीनों प्रकार का जनन मिलता है। संपूर्ण प्रोटिस्टा जगत को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। जैसे सबसे पहला भाग है पादप संप्रोटिस्ट। इसमें प्रकाश संश्लेषण करने वाले प्रोटिस्ट जीव आते हैं। इसका दूसरा भाग हो जाएगा कवक संप्रोटिस्ट। ऐसे जीव जो कवक के समान लक्षण रखते हैं। और तीसरा भाग होगा जंतु संप्रोटिस्ट, अर्थात इसके अंतर्गत प्रोटोजोआ संघ के सदस्यों को रखा गया है। तो इनमें सबसे पहले समझेंगे हम डायटम्स, जिसे क्राइसोफाइट के अंतर्गत रखा गया है। डायटम्स की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसके बीच बीच में सिलिका पाई जाती है। सिलिका की वजह से इनकी भित्ति काफ़ी कठोर हो जाती है। डायटम्स की मृत्यु के बाद समुद्र की सतह पर सिलिका एकत्रित होती रहती है और एक विशेष मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा को डायटोमेसियस मृदा कहा जाता है। इस मृदा का उपयोग ग्लास बनाने में, फिल्टर पेपर, पेंट, वार्निश, पॉलिश, टूथपेस्ट आदि बनाने में किया जाता है। अब समझेंगे डाइनोफ्लैजलेट। ये एक कोशिकीय समुद्री जीव हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इनमें दो फ्लैजला पाए जाते हैं और दो फ्लैजला होने के कारण इन्हें डाइनोफ्लैजलेट का नाम दिया गया है। इनका रंग पीला, हरा, भूरा, नीला या लाल हो सकता है। समुद्र के कुछ भागों में जब इनकी संख्या अचानक बढ़ जाती है तो समुद्र का जल लाल सा दिखाई देने लगता है। इस दशा को रेड टाइट कहा जाता है। इनसे निकलने वाले टॉक्सिन के कारण समुद्र में रहने वाले अनेक जीवों की मृत्यु हो जाती है। अब समझेंगे यूग्लिनाइड। ये एक कोशिकीय मुक्त जीव होते हैं। ये फ्लैजला की मदद से इधर उधर गति कर सकते हैं। ये तालाबों, गड्ढों के ताजे जल या गीली मिट्टी में भी पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, किंतु एक पैक्टिन युक्त आवरण होता है। यूग्लिना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अब है स्लिम मोल्ड्स, अर्थात अवपंक कवक। ये ऐसे जीव हैं जो नम भूमि पर पाए जाते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है और ये प्रायः परपोषी या मृतोपजीवी प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। इन्हें दो रूपों में देखा जा सकता है, या तो अकोशिकीय स्लाइम मोल्ड या फिर कोशिकीय स्लाइम मोल्ड के रूप में।